श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड पहला सर्ग। श्री राम के सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना। भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्वयुद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड़ प्यार करते थे। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएँ पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। महातेजस्वी राजा दशरथ भी प्रदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे, परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। इसका एक कारण और भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती हैं। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे, वे किसी के दोष को नहीं देखते थे। भूमंडल में उसकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। वे सदा शांत चित्त रहते और सांत्वनापूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकाल कर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुँह से निकालते वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगें। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्यायुक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से बढ़कर एक युक्तियाँ देते थे। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले
साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें कर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। वे विनयशील, अपने आकार को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भलीभांति जानते थे। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। शास्त्र में व्यय का विधान इस प्रकार देखा जाता है, कच्चिदायस्य चार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः पाद भागे स्त्री भीरवापि व्यय संशुद्धयते तव। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, क्या तुम्हारी आय के एक चौथाई या आधे अथवा तीन चौथाई भाग से तुम्हारा खर्च चल जाता है? नीचे लिखी 5 वस्तुओं के लिए अर्थ का विभाजन करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। वे वस्तुएं हैं धर्म, यश, अर्थ, आत्मा और स्वजन। यथा धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहा मूत्र च मोदते। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। विहार, क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकार आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। श्री रामचंद्र जी श्लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। संग्राम में कुपित होकर आए वे समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, अपितु काल ही उनके पीछे पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचिपति इंद्र के तुल्य थे। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। ऐसे सदाचार संपन्न, अजेय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारम्बार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूँगा।
वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बढ़े चढ़े हैं। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारे पृथ्वी का राज्य करते देख यथासमय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूँ, यही मेरे जीवन की साध है। इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। तदनंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथायोग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्ग से मिलते हैं। जल्दीबाजी के कारण राजा दशरथ ने केकय नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। तदनंतर शत्रु नगरी को प्रेरित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब केकय राज और जनक को छोड़कर शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुँह करके विनित भाव से बैठे थे। राजा से सम्मानित होकर विनित भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में पहला सर्ग पूर्ण हुआ।